अचानक से मुझे श्रेटी से कॉल है कि आपका भजन हम आरती के साथ प्ले कर सकते हैं, मैंने कहा ये तो बहुत बड़ी हाजिरी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भजन भी दिव्य चैनल पे या किसी के चैनल पे जरूर बाबा की ब्लेसिंग से भजन आगे जाएगा। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। चलो चलो साईं के द्वारे, साईं सबके कष्ट निवारे। साईं उनके हो जाते हैं, साईं उनके हो जाते हैं जो दिल से उन्हें पुकारे। चलो चलो साईं के द्वारे। आज हम भजन लेके हैं जिसका नाम है साईं सबके कष्ट निवारे। गाया है सुरेश कुमार जी ने, प्रोड्यूस किया है मेरी वाइफ सुमन केसर ने, को प्रोड्यूस किया मैंने गरुण केसर डी के, और लिरिक्स जो है वो संजय विद्रोही हैं, कंपोजिशन जो है उस्ताद सूरज सिंह जी की है, एस मनी ने म्यूजिक तैयार किया है, और डायरेक्ट किया है हमारे भाई आरजे राजेश राजपूत जी ने, मेकअप जो है वो शीतल ने किया है। बहुत टैलेंटेड लोग हैं सभी, मुझे छोड़ के, और मैंने बाबा का कैरेक्टर प्ले किया है इसमें साईं बाबा जी का। और ये भजन जो है साईं बाबा पर जो भी आस्था विश्वास श्रद्धा रखते हैं साईं बाबा जी पर, उनके लिए ये भजन जो है वो एक औषधि का काम करेगा। बहुत प्यारा गाया है, आप जब इस भजन को देखेंगे आपको फील होगा कि नहीं, आपके अंदर एक जागृति जो है आप जागेगी आपके अंदर, कि भजन बहुत प्यारा है, लोकेशन बहुत प्यारी है, क्योंकि कुछ हिडन लोकेशन हैं हमारे अपनी ही लोकेलिटीज़ में जहाँ पर आज तक एक्सप्लोर नहीं हुई, हमने वो एक्सप्लोर की हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं हमारे लोकल्स ही हैं कटरा के आसपास सराउंडिंग एरियाज़ में, कुछ रियासीज़ के एरियाज़ में जहाँ पर हमने ये शूट किया है। अब वो दिन गए जब हम लोकेशंस पे जाके पैसा खर्च करते थे लोकेशंस के लिए, यहाँ पे भी चीज़ें अच्छी क्रिएट हो सकती हैं, ये हमने बताने की कोशिश की है। एक दूसरे को हमारे यहाँ पे जेलसी फैक्टर बहुत है, एक कर गया मैं कैसे रह गया, अरे भाई एक दूसरे का हाथ पकड़ के पहले इंडस्ट्री तो बिल्ड कर लो, इतनी इंडस्ट्री बिल्ड कर लो कि सभी को काम मिले। सभी का टैलेंटेड होना ज़रूरी नहीं है, काम मिलना ज़रूरी है। हर तीसरी गली में आपको सिंगर मिलेगा, हर तीसरी गली में एंकर मिलेगा, हर तीसरी गली में एक्टर मिलेगा, काम कितना मिलता है, सर्वाइव कौन करता है, शॉर्ट फिल्म्स किसकी आती हैं, फिल्म्स किसकी आती हैं, टेलीफिल्म्स में कौन काम करता है, सीरियल्स में कौन काम करता है, एड्स में कौन काम करता है, मॉडलिंग सभी करते हैं, काम कहाँ है, काम नहीं है, प्रॉब्लम ये है। और काम हमें खुद क्रिएट करना है, डायरेक्शन में भी काम क्रिएट करना है, एक्टिंग में भी करना है। इसलिए सुमन कैसर प्रोडक्शन जो है नए कलाकारों को भी चांस देती है, मेरे साथ इसमें तकरीबन 10-12 कलाकारों ने काम किया है, उनको भी फुटेज मिली है, सबको प्रॉपर फुटेज मिल रही है, सबको प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। मेरी कोशिश है कि मैं खुद के साथ साथ सबको लिफ्ट करके चलूँ, ये मेरी कोशिश। पहले तो सभी को जय साईं राम। तो आज का जो हमारा ये प्रोजेक्ट था, ये साईं बाबा जी का जो एक भजन है वो रिलीज़ हुआ है, तो ये रिलीज़ जो भजन रिलीज़ हुआ है ये सुमन केसर प्रोडक्शन द्वारा रिलीज़ किया जाएगा उनके यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा जो इसमें हमने जो रोल प्ले किया वो है कि हमने इसका वीडियो जो है डायरेक्ट किया है, मैंने और हमारी टीम ने मिल के वीडियो बनाया है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो के लिए भी हमें रियासी की जनता का सहयोग चाहिए, रियासी के जितने भी हमारे आर्टिस्ट लोग हैं या फिर जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं रियासी से, वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जो कटरा से, उधमपुर से हैं, जम्मू कश्मीर से भी हैं, तो हमें सपोर्ट चाहिए। स्पेशली हमें अपनी जो डिस्ट्रिक्ट रियासी की जो ऑडियंस है उनकी सपोर्ट चाहिए। हमारी जो ARJ प्रोडक्शन है वो किसी के साथ भी कोलैबोरेट होकर काम करती है, या किसी भी कोई भी प्रोडक्शन हाउस है दूसरा जिसके साथ मिलकर काम करना हो, और हम कभी भी उसके लिए मना नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो है कि एक अच्छी वीडियोग्राफी करना, एक अच्छी लोगों को एक अच्छे जो है व्यूअर्स दिखाना बाहर से, जितने भी है ना हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट की जितने भी खूबसूरत जगह हैं या फिर अलग अलग लोकेशंस हैं वो लोगों तक पहुंचाना, तो एक सुंदर तरीके से पहुंचाने की कोशिश करते हैं हम। और उसका तरीका यही है कि हम अपने भजनों में, अपने गानों में या अपनी शॉर्ट फिल्म्स में हम ये सब दिखाते हैं। इसकी जितनी भी शूटिंग हुई है, जो आप विजुअल्स देख रहे हो, वो पूरे विजुअल्स जो हैं कटरा के हैं, जितने भी विजुअल्स हैं ना वो सब कटरा के हैं, कटरा में ही हमने ये भजन पूरा शूट किया है, जिसको हमारे सिंगर, हमारे बहुत ही बढ़िया सिंगर हमारे सुरेश भैया जी, उन्होंने गाया है, ठीक है, एसमनी जी ने इनका म्यूजिक किया है और इनका कंपोज किया है हमारे गुरुजी सूरज सिंह जी ने, तो और इसके बाद लिरिक्स जो हैं वो संजय विद्रोही जी ने लिखे हैं, जो हमारा यूथ है रियासी से। बहुत सारे लोग हैं जो गुमराह हो रहे हैं और कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं हमारे यूथ को, हमारा यूथ जो है नशे की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए हमारा यही सहयोग रहेगा कि जो भी यूथ जिसको लगता है जो डिप्रेशन में है, देखो जॉब्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, है ना, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है ना, तो लोग घर पे रह के डिप्रेस्ड हो रहे हैं, उनको पता नहीं लग रहा है कि हमें क्या करना है, तो इसी के बीच में जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारी यूथ है, उसको भटकाने की कोशिश की जा रही है, उसको नशे की तरफ ले जाया जा रहा है, और इसके पीछे बड़े सारे लोगों का हाथ है और कुछ लोग सामने भी आए हैं। तो मैं रियासी की यूथ से यही कहूँगा कि हमारा जो प्रोडक्शन हाउस है वो मोस्ट वेलकम करता है आप लोगों का हमारे पास, अगर आप काम करना चाहते हो, हमारी तरफ से किसी भी तरह का सहयोग चाहिए आपको, तो हम हमेशा सहयोग करने के लिए रेडी हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जल्दी हमारा एक टीज़र लॉन्च होने वाला है, जो कि ड्रग्स के ऊपर ही बेस्ड हमारी वेब सीरीज़ है, उसका जो टीज़र है हम बहुत जल्दी रिलीज़ करने वाले हैं, और वेब सीरीज़ का भी जो
कुछ पार्ट हमने अपना शूट कर दिया और कुछ पार्ट जो हम रियासी में ही शूट करेंगे। और मैं बता दूं कि कंप्लीट जो वेब सीरीज़ है उसकी जो थीम होगी वो ड्रग्स के ऊपर बेस होगी कि किस तरीके से जो हमारी सिटी में जो बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है, उनको नशे से बचाया जा सके, ठीक है। और उसी के लिए हम फर्दर कुछ दिनों में हम काम करेंगे और आपके सामने एक टीज़र लाएंगे और उसके बाद पूरी की पूरी वेब सीरीज लाएंगे। नमस्कार, और ये आपके चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है। इस पर मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा ये भजन बना हुआ है और सुमन केसर प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल से आज ये भजन रिलीज़ हुआ है। मैंने यानी कि सुरेश कुमार ने इस भजन को गाया है। इस भजन को लिखा है बहुत ही बाकमाल राइटर श्री संजय विद्रोही जी ने, और इसकी जो कंपोजिशन है वो मेरे परम पूजनीय गुरु उस्ताद श्री सुरेश सिंह जी उन्होंने की है, और इसका म्यूज़िक जो है वो बहुत ही अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर बटाला पंजाब से सुमित मणि जी उन्होंने किया है, और एंकर डीके जी, एंकर और एक्टर मेरे भाई, उन्होंने इस भजन को प्रोड्यूस किया है और स्पॉन्सर भी उन्होंने किया है। तो मैं चाहूँगा कि सभी उसको सुने, अपना आशीर्वाद दें।